मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा विधायक के खिलाफ खबरें लिखने पर पत्रकार को थाने में बंद कर और कपड़े उतरवाने के मामले में हप्पू सिंह की उल्टन पलटन सीरियल में राजेश हप्पू सिंह का किरदार निभाने वाली कामना पाठक ने दुख जताया है। कामना ने थाने में अर्धनग्न खड़े पत्रकारों की फोटो फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कला और संस्कृति के उत्थान के लिए जो जी जान लगा रहे हैं और परिणाम ऐसा मिले तो एक कलाकार होने के नाते मैं आहत हूँ। पीड़ित पत्रकार कनिष तिवारी ने बताया कि वह शनिवार शाम को कोतवाली के बाहर रंगकर्मी नीरज कंदेर की रिहाई और सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की खबर कवर करने गए थे। तभी पुलिसकर्मी प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ उन्हें भी थाने ले आई। आरोप है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर कई बार खबरों के माध्यम से उन्होंने विधायक को घेरा था और इसलिए पुलिस उन्हें पकड़ कर थाने ले गई। तिवारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने मेरे और प्रदर्शन करने वाले 8 लोगों के कपड़े उतरवा कर फोटो खींचे और उन्हें वायरल कर दिए। सीधी SP मुकेश श्रीवास्तव ने बताया कि मामला सामने आने के बाद थाना प्रभारी मनोज सोनी और एक सब इंस्पेक्टर को लाइन अटैच कर दिया गया। SP श्रीवास्तव ने बताया कि इस मामले में उच्च स्तरीय जाँच कमेटी बैठा दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले की जांच के लिए ASP को जिम्मेदारी दी गई है। DGP सुधीर सक्सेना ने भी रेडियो SP को जांच के लिए भेजा है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने DGP और IG रीवा से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। प्रदेश भर में कई संगठन इस मामले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाए जिससे कोई भी संगठन आगे से ऐसी हरकत ना कर सके। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।